अस्सलाम वालेकुम, आइए आज हम विटामिन डी की डेफिशिएंसी पे बात करते हैं। इसे सन विटामिन भी कहा जाता है और ये विटामिन ऐसा है जो बॉडी के अंदर हमारे फैट में पैदा होता है और जब हम सूरज की लाइट के सामने जाते हैं हमारी जिल्द के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म चलता है विटामिन डी उसकी प्रोडक्शन होती है। लेकिन आजकल जैसा कि हमारा रहने सहने का तरीका कुछ ऐसा हो चुका है और एयर कंडीशन रूम में हम रहते हैं, सन के नीचे जाने का रिवाज उतना नहीं है जैसा कि पिछले दौर में था, तो आजकल इसकी डेफिशिएंसी बहुत आरूज पे है। ये जब एक बार पैदा होता है तो इसकी खासियत ये भी है कि ये पेशाब के रास्ते हमारे खारिज होता रहता है और इसकी डेफिशिएंसी बनिस्बत दूसरे विटामिन्स के ज्यादा जल्दी हो जाती है। और ये विटामिन डी हमारे जिस्म में इसका एक खास मकसद ये भी है कि दूसरे तमाम विटामिन जो है वो इस पे ही डिपेंड करते हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली दूसरे विटामिन्स में भी डेफिशिएंसी भी आएगी और उनके काम की जो सलाहियत है, कारगर्दी है, उसमें भी फर्क आएगा। विटामिन डी इसकी डेफिशिएंसी के कुछ सिम्पटम्स हैं जैसा कि काम में दिल ना लगना, हर वक्त सुस्ती का होना, काहली होना ऑफिस में या डे टाइम पे, नींद आना बे वक्त पे और रात को नींद आना, इसके अलावा खौफजदा करने वाले ख्यालात दिमाग में आना, वसवसे ज़्यादातर आना, अजीबोगरीब ख्यालात जहन में आना और उनके ऊपर फिर जहन का लंबे अरसे तक काम करके उसे मजीद खौफनाक बना देना, स्टोमिक उसका अक्सर ख़राब रहना और बार बार बुखार का होना, और हड्डियाँ जो है बिलखसूस उनमें विटामिन डी का क्योंकि बहुत ज़्यादा किरदार है उनकी स्ट्रेंथ में,